गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 लेसन 4 और लेसन का नाम है ट्रीज अवर सेवियर, यानी कि पेड़ हमारे रक्षक। इसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। हम पार्ट 1 पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अब हम इस वाली क्लास में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 26 पर आ जाइए। और 26 और 27 के मैंने कुछ जो डिफिकल्ट मीनिंग थे वो मैंने इस पर बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले इन्हें पढ़ते हैं। रस्ट मिस बढ़ने लगे, कार्ड मिस कहलाया, रिस्ट मिस पहुंचे, सॉल मिस मिट्टी, एब्रॉड मिस विदेश, प्रोटेक्ट है सुरक्षा, मूवमेंट मिस पल, वैल्यूएबल मिस साबित, पीपल मिस लोग, कन्वर्सेशन मिस बातचीत, इम्पोर्टेंट मिस खास, लेसन मिस याद रखा, सेव मिस बचाओ, न्यूज मिस समाचार, और ड्रम्स मिस ढोल, ट्रम्पेट मिस ताजे, और मैसेज मिस संदेश। तो मैंने आपको मीनिंग समझा दी है, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 26 पर आ जाइए। 26 पर ऊपर से आप चौथा पैराग्राफ देखिए, हम वहां से इसको पढ़ते हैं। एंड यानी कि ओर, दे यानी कि वे, आल यानी सभी, राष्ट्र यानी कि बढ़ने लगे, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, शूटिंग यानी कि शांत तरीके से वो सब आगे की ओर बढ़ने लगे, चिपको चिपको कहते हुए, द एक्समैन यानी लकड़हारे, वी आर फ्राइटेंड यानी कि भागे, बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन, इस समस्या को देखकर जो लकड़हारे थे वो भागने लगे, एंड दे रन अवे, और वो वहां से भाग गए। द पीपल लोग हैड सक्सेडेड यानी कि सफल हो गए इन सेविंग देयर ट्रीज, यानी कि पेड़ों को बचाने में, जो पहाड़ के जो पहाड़ी जो लोग थे वो पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। दस यानी इसी प्रकार बिगेन यानी शुरू हुआ, द मोमेंट्स यानी कि पल होता है, यानी कि जो अभियान था, कार्ड यानी कहलाया, क्या कहलाया, चिपको और हग द ट्रीज, चिपको मोमेंट्स यानी कि चिपको अभियान कहलाया, यानी कि पेड़ों को बचाओ। इट वॉज ए, यह था नॉन वायलेंट मूवमेंट, यानी कि बिना शांति, मतलब बिना अशांति के शांति वाला जो ये मूवमेंट यानी अभियान था। ऑफ द माउंटेन यानी कि पहाड़ी लोग थे, पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम, जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने इस तरह का आंदोलन चलाया शांति तरीके से, जिससे कि पेड़ को बचाया जा सके। नीचे आइए, द विलेजर्स गांव ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर एक गांव है, हेड सेव्ड सेवर की सुरक्षा के लिए, इट्स ट्रीज यानी कि पेड़ों की, बट द कॉन्ट्रैक्टर वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप इजिली, वहां गोपेश्वर गांव में भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आए थे और वो भी आसानी से वहां से नहीं जा रहे थे। दे चोस अनादर यानी कि उन्होंने अनादर यानी कि दूसरे फॉरेस्ट यानी कि जंगल बीच यानी कि जो वाज यानी था अबाउट यानी 60 किलोमीटर यानी कि वहां से 7 किलोमीटर दूर था, अवे फ्रॉम गोपेश्वर से, गोपेश्वर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां पर भी कुछ ठेकेदार आए थे और वहां से वो इजी यानी कि आसानी से नहीं जा रहे थे। न्यूज ऑफ दिस रिज्ड, ये खबर वहां तक पहुंची, न्यूज यानी कि समाचार, दिस रिज्ड यानी कि पहुंचे गोपेश्वर यानी कि गोपेश्वर में, सो इसलिए द एंटायर विलेज में, दूसरे गांव के जो विलेज यानी गांव के जो लोग थे, एंड वुमेन आदमी और वुमेन मिस क्या होती, औरतें, ओल्ड यानी कि बूढ़े, एंड यंग मिस जवान, बिगेन टू मार्च इन ए प्रोसेशन यानी कि मार्च में ये वाला अभियान उन्होंने चलाया और सभी लोग वहां पर बुढ़े बच्चे जवान सभी वहां पर दौड़कर आ गए। दे कैरिड भी चिल्लाते हुए ड्रम से यानी कि ढोल एंड ड्रम से यानी कि ताशों के साथ बैनर लिए हुए हाथ में और एक संदेश दिया सभी ने। क्या संदेश था, उस संदेश को हम पढ़ते हैं, जो रेड लाइन में जो संदेश है ना उसको आइए हम अच्छे से पढ़ते हैं। चोक मी, चोक का अर्थ होता है काटना, मी यानी कि मुझे काटो, नॉट द ट्री, नॉट ए नहीं, द ट्री मीन्स पेड़ यानी कि मुझे काटो, पेड़ों को मत काटो। कील यानी कि हमें, आज यानी कि हमें, फर्स्ट यानी कि पहले हमें मारो, कील यानी कि मारना होता, पहले हमें मारो, बिफोर यानी कि बिफोर यानी आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बिफोर यानी पहले यू कट इट सिंगल ट्री, जो सिंगल है उनको मत काटो, पहले हमें मारो, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आई उसमें था कि पहले हमें मारो, पेड़ों को मत मारो, ठीक है ना, पहले हमें काटो बाद में पेड़ों को काटना, तो इसका ये अर्थ था। नीचे देखिए, द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, उनकी जो कुल्हाड़ी थी वो, मतलब वो जो कुल्हाड़ी थी वो इस, मतलब इस आवाज से कुल्हाड़ी नहीं उठा सके। दे फ्लाइट द चिपको आइडिया हेड वंस अगेन वॉर, और जो चिपको जो मूवमेंट चलाया गया था, जो अभियान चलाया गया था, ये विचार वहां पर सक्सेस हो गया और जीत गया। ट्रीज हेड बीन सेव्ड, और पेड़ों को बचाया गया।
द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और वहां के जो उस क्षेत्र के जो लोग थे पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। द पीपल ने दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, और वहां के जंगलों को बचाया गया, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सोल। पेड़ों को कटने से जो मिट्टी सोल होता है मिट्टी, यानी कि मिट्टी की जो पकड़ थी वो मजबूत नहीं हो रही थी, और उनकी देयर वाटर एंड देयर लिवलीहुड, उनकी जीविका का वही एक साधन था पानी का सबका, वो जंगल ही एक साधन था पहाड़ी लोगों के लिए। इंसिडेंट यानी कि घटनाएं टुक प्लेस दूसरे स्थान पर भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएं हुई है। ओवर द ईयर द पीपल्स मूवमेंट, साल की समाप्ति के बाद यह अभियान बिकेम वेल नाउन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया मीन्स भारत, अब्रॉड मीन्स विदेश, देश विदेश तक यह अभियान पहुंच गया। दस पीपल, इस प्रकार लोग हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, इस प्रकार वहां पर लोगों ने पेड़ों को बचाने का काम शुरू किया। दे हैव ऑर्गेनाइज देम सेल्वेज स्पेशली द वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइज सर्चे द दशोली, इसी प्रकार का एक दशोली गांव जो था वहां पर दशोली एक अभियान जो था वो चलाया गया। अब हम पेज नंबर 27 पर आ जाते हैं और यहाँ से अपना लेसन पढ़ते हैं। वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइज सर्चे द दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल टू रिजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, और इस दशोली जो बापेश्वर गांव पर दशोली जो स्वराज्य मंडल था इसको एक अभियान का नाम दिया गया। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट, मूवमेंट मिस होता है पल, चिपको यानी कि ये चिपको जो पल था इस प्रोविडेंट साबित हो गया, वेरी वैल्यूएबल यानी मूल्यवान, ये वाला जो अभियान था बहुत ज्यादा मूल्यवान साबित हुआ। इन द कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के लिए इट हैज टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन, ये बहुत खास पार्ट है टू द पीपल, लोगों ने इन द कन्वर्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि बहुत अच्छा पार्ट पढ़ाया पेड़ों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए, वहां के जो ठेकेदार थे उन लोगों को अच्छा सा पार्ट यानी कि सबक सिखाया। तो इस पार्ट से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, अधिक से अधिक हमारे आस पास हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने समझ लिया है, अब आप लोग अच्छे से अपने पेड़ों की सुरक्षा करेंगे कि मैं अच्छे से समझते आप लोगों ने जब इस लेसन को अच्छा समझा होगा तो आप लोग अच्छे से इसको समझकर अपने घर के सामने पेड़ भी लगाएंगे और उसकी देखरेख भी करेंगे। तो हम अपना लेसन यहाँ पर एंड करते हैं, अगली क्लास में हम अगले इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो मैंने वर्क दिया वो करिए और अपना काम पूरा कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स।